मैट्रिक्स इन्वर्जन वाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस आर रो ऑपरेशंस आर आई टू आर जे। ये आईएथ रो और जेएथ रो का इंटरचेंज है। आर आई मीन्स आईएथ रो की जगह जेएथ रो कर दें और जेएथ रो की जगह आईएथ रो कर दें, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आर आई जे। दूसरा रो ऑपरेशन है आर आई गोज टू के इंटू आर आई, एक नॉन जीरो स्केलर के का आईएथ रो में मल्टीप्लाई कर दें, ये आईएथ रो में ऑपरेशन हो जाएगा। और थर्ड रो ऑपरेशन है आर आई टू आर आई प्लस के आर जे, एक नॉन जीरो स्केलर के का जेएथ रो में मल्टीप्लाई करके उसे ऐड कर दें आईएथ रो में, ये आईएथ रो में ऑपरेशन होगा। और ये के जो है नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये सब्ट्रैक्शन भी इसी में हो जाएगा। एंड सिमिलर कॉलम ऑपरेशंस, बिल्कुल ये जो तीन रो ऑपरेशंस बताए हैं इनमें आर की जगह सी करके ये लिखे हुए हैं, सिमिलर ये कॉलम ऑपरेशंस हैं तीन। पहला तो आईएथ और जेएथ कॉलम का इंटरचेंज, ये और ये ऐसे लिख लें, और इससे अगला ये आईएथ कॉलम में के इंटू सी आई कर दिया, और ये थर्ड है आईएथ कॉलम में सी आई प्लस के इंटू सी जे, वेयर के इज ए स्केलर। फॉर मैट्रिक्स इन्वर्जन ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए आइदर यूज रो ऑपरेशंस इन ए इक्वल टू आई ए टू ओबटेन आई इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो इसमें आई इक्वल टू आई ए में हम इस तरह से लिख लेंगे, अभी एग्जाम्पल तो हम आपको डिटेल में करके दिखाएंगे। ये ए इक्वल टू आई ए जो हमने ऐसा लिख लिया यहाँ पर, ये मैट्रिक्स ए जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसको लिख लेंगे। आई सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, और इस ए को ऐसे ही लिखेंगे एज इट। तो इस ए में जो भी रो ऑपरेशन होंगे वो सेम रो ऑपरेशन इधर मैट्रिक्स आई में हम करेंगे, यानी कि ये टू मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, तो रो का रिलेशन इसकी रो से होगा। तो इसमें जो रो ऑपरेशन होंगे वही रो ऑपरेशन इसमें होंगे, और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। और इस तरह से रो ऑपरेशन करते हुए यहां पर इस मैट्रिक्स ए की जगह पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई प्राप्त कर लेंगे, और वैसे ही रो ऑपरेशन जब इधर भी होंगे तो यहाँ पे क्या होगा ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बन जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ये ए की जगह पे यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ ये ए एज इट रहेगा। तो जब आई इक्वल टू यहाँ पे जो कुछ भी आएगा इंटू ए, तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसको ए इनवर्स होना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए ही इक्वल टू आई हो सकता है। सिमिलरली और यूज कॉलम ऑपरेशंस इन ए इक्वल टू ए आई, अगर कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि इस मैट्रिक्स ए में जो कॉलम ऑपरेशन हम करेंगे वही सिमिलर कॉलम ऑपरेशन हम इसमें आई में करेंगे, क्योंकि ए इंटू आई जब टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है, तो इसकी जो मैट्रिक्स ए की जो कॉलम्स होंगी वो रिलेटेड होंगी इस सेकंड मल्टीप्लायर, या हम कहें राय इसका जो इस साइड में जो मल्टीप्लायर है पोस्ट मल्टीप्लायर उसकी कॉलम के साथ में। तो जो कॉलम ऑपरेशन इसमें होंगे वही कॉलम ऑपरेशन इसमें होंगे। तो यहां पर कॉलम ऑपरेशन करके जब हम आई बना लेंगे ऐसा, टू ऑब्टेन आई इक्वल टू, ये इस ए में तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो यहां पे सेम कॉलम ऑपरेशन करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसको ए इनवर्स होना पड़ेगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स ही आई के बराबर होता है। तो इस तरह से है, या तो हम केवल रो ऑपरेशन करेंगे या केवल कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो वी प्रिफर रो ऑपरेशंस, ठीक है, हम अपनी तरफ से रो ऑपरेशन से करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं अभी। एग्जाम्पल वन, फाइंड ए इनवर्स इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस टू ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 -1 1, ठीक है, जिसकी हम इनवर्स निकालते हैं उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तभी इनवर्स निकलता है। तो इसका हम देख रहे हैं ये 1 इंटू 1 1,
और ये माइनस माइनस प्लस, वन इंटू टू टू हो गया, तो ये वन प्लस टू थ्री, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए खैर, तो हमें इसका इन्वर्स पूछा गया है, तो मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो होगी ही, हम इसका इन्वर्स रो ऑपरेशन से निकालने जा रहे हैं। इसके सॉल्यूशन में वी हैव ए इक्वल टू आई ए, हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं, और दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन है इसको हम यहां पे लिख लेंगे ए की जगह पे। इसके एलिमेंट्स 1 2 माइनस 1 1 यहां पे हमने लिख लिए, और इक्वल टू ये आई है सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स 1 0 0 1 इनटू ये ए हमने एज इट यहां पे लिख लिया, क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में जो कंडीशन हम जानते हैं उस तरह से यहां पर ये 2x2 ऑर्डर, इसका 2x2 ऑर्डर, कुल मिला के ये 2x2 ऑर्डर, यानी कि ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं 2 ऑर्डर की। अब हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर ये है कि हम रो ऑपरेशंस करके इस जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरह की। तो इस तरह की मैट्रिक्स बनाना हम एक तरफ से देखें स्टार्टिंग से कि इसका फर्स्ट एलिमेंट यहां पे 1 है, ऐसा ही हम यहां पे देखेंगे, तो इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद इस 1 की हेल्प से इसके करस्पोंडिंग जो एक कॉलम है मींस फर्स्ट कॉलम, इसमें इस 1 के अलावा बाकी एलिमेंट्स को हम जीरो करेंगे। तो यहां पर ये एक ही एलिमेंट है माइनस 1, इसकी जगह पर हम जीरो करेंगे, यानी कि यहां पे हम 1 0 ले आएंगे, जैसा 1 0 यहां पे है वैसा हम यहां पे ले आएंगे, और जो रो ऑपरेशन हम यहां पे करेंगे वैसा ही हमें यहां पे भी करना पड़ेगा। तो अब इस 1 की हेल्प से यहां पे जीरो करने के लिए हम सीधा सीधा इसको ऐड कर दें कि ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन R2 में, ये सेकंड रो जो है R2 में रो ऑपरेशन हमने किया R2 प्लस R1, यहां पे जीरो करने के लिए इसमें प्लस कर देंगे इसको, यानी कि R2 में प्लस कर दिया हमने R1 को, देन वी गेट, ये देखिए फर्स्ट रो में हमने कुछ नहीं किया, इसको एज इट लिख लिया, ये 1 2 यहां पे लिखा और ये इक्वल का साइन यहां पर, और इसका ये 1 0 भी हमने ऐसे ही लिख लिया, और इस मैट्रिक्स से बाहर ये ए एज इट लिख लिया। अब इस 1 की हेल्प से यहां पर 0 हमें करना ही था, ये यहां पे 0 लिख लिया, और बाकी के ये ऑपरेशन करके हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें R2 में प्लस R1 हम कर रहे हैं, तो ये माइनस 1 प्लस 1 0, इसके लिए तो हमने किया ही है, ये 1 प्लस 2 3 हो गया, और ये 0 प्लस 1 यहां पे 1 हो गया, और ये 1 प्लस 0 1 हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए, यहां पे ये 1 0 जैसा यहां पे था वैसा 1 0 हमने यहां पे कर लिया, हालांकि यहां पे चेंज हो गया है। अब हम यहां पे 1 करेंगे, बार बार इसको देख सकते हैं आप कि हमें इस तरह की मैट्रिक्स यहां पे बनानी है, तो ये 1 0 यहां पे हो गया, अब हमें यहां पे 1 बनाना है, यहां पे जब 1 बन जाएगा तो उस 1 की हेल्प से यहां पे 0 करना है, यानी कि इस तरह का बनाना है। तो चलिए पहले यहां पे इस पोजीशन पे 1 बनाने के लिए यहां पे 3 है, तो इस सेकंड रो में ऑपरेशन हम करेंगे, यहां पे 1 बनाने के लिए सेकंड रो में 1 अपॉन 3 स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ R2 यानी कि सेकंड रो में ऑपरेशन कर रहे हैं, 1 अपॉन 3 स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड रो R2 में, देन इट गिव्स दिस, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेकंड रो में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, वैसे ऑपरेशन यही है कि 1 अपॉन 3 स्केलर का हम R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में हमने कुछ नहीं किया, इसको हम एज इट लिख लें, ये 1 2 इक्वल टू 1 0 और यहां पे ये a एज इट लिख लिया। इस सेकंड रो में हम 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहे हैं, ये 0 अपॉन 3 0, ये 3 अपॉन 3 1 हो गया, और ये 1 अपॉन 3 हो गया यहां पर, और ये 1 अपॉन 3 हो गया। अब इस 1 की हेल्प से यहां पर हम 0 करेंगे, जिसकी हेल्प से हम यहां पे ऑपरेशन करते हैं उसको की एलिमेंट या पाइवट एलिमेंट कहते हैं, और उसको हम बॉक्स में बंद कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन करेंगे हम सेकंड रो की हेल्प से, तो इस 1 की हेल्प से यहां पर 0 करने के लिए जितना यहां है उतना ही यहां पे बनाएंगे, तो यहां पे 2 है, तो यहां पे 2 बनाने के लिए इस सेकंड रो में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी करेंगे हम वो हम पूरी रो में करेंगे, यहां से यहां तक इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लिया पूरी रो में,
तो यहां पे टू हो जाएगा, और उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पूरी फर्स्ट रो में से, तो ये टू माइनस टू यहां पे जीरो हो जाएगा। तो अगेन बाई रो ऑपरेशन इन आर वन, आर वन माइनस टू आर टू वी हैव दिस। सेकेंड रो में हमने कुछ नहीं किया, इसको एज इट उतार लिया, ये जीरो वन और ये इक्वल टू वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री और इससे बाहर ये ए। हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं इस फर्स्ट रो में, तो यहां पे देखिए ये आर वन माइनस टू आर टू, तो ये आर वन के एलिमेंट्स, इनमें हम माइनस कर रहे हैं इस सेकेंड रो में टू का मल्टीप्लाई करते हुए। तो ये वन माइनस टू इंटू जीरो, तो ये वन रहा, टू माइनस टू इंटू वन यानी कि टू माइनस टू जीरो, इसके लिए तो हम कर ही रहे हैं, वन माइनस टू इंटू वन अपॉन थ्री यानी कि टू अपॉन थ्री, वन माइनस टू अपॉन थ्री ये हो गया वन अपॉन थ्री, और जीरो माइनस टू इंटू ये आर टू यानी कि वन अपॉन थ्री, यानी कि जीरो माइनस टू अपॉन थ्री ये माइनस टू अपॉन थ्री हो गया। ठीक है, सेकेंड रो की हेल्प से तो हमने किया है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने एज इट यहां पर उतार लिया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बन गई है टू ऑर्डर की, और इक्वल टू ये मैट्रिक्स है यहां पर, और यहां पर ये एज इट ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, जब ये दिस इंटू ए इक्वल टू आई है, तो यहां पे ए इनवर्स को होना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए ही आई के बराबर होता है। तो इस तरह से हैंस ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ए इनवर्स की जगह पे ये मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स हमने यहां पे लिख ली। इसमें से वन अपॉन थ्री को कॉमन लेके लिख सकते हैं, वन अपॉन थ्री जब हमने बाहर ले लिया, तो यहां पे बचा ये वन, यहां पे माइनस टू, और यहां पे ये वन, और यहां पे ये वन, तो ये आंसर हो गया हमारा। गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स जो पूछा था, ए इनवर्स की वैल्यू वो ये आ गई है आंसर। इसी तरह से हम और सवाल कर सकते हैं, इसका ये एग्जाम्पल टू है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये थ्री ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दे रखी है, इसके एलिमेंट्स हैं वन थ्री थ्री, वन फोर थ्री, वन थ्री फोर। तो इसको हम एग्जाम्पल वन की तरह से पूरा कर लेंगे, इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहां तक। फिर इसके बाद इसमें ये सेकंड पार्ट और दिया हुआ है छोटा सा, एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स ए इक्वल टू आई थ्री। तो जिस तरह से हमने एग्जाम्पल वन किया है, उसी तरह से इस मैट्रिक्स ए का हम ए इनवर्स निकाल लेंगे बिल्कुल इसी तरह से, बस इससे थोड़ा सा बड़ा है ये, क्योंकि एग्जाम्पल वन में टू ऑर्डर का था और इसमें थ्री ऑर्डर का है। तो इसमें सिमिलरली इसी तरह से आगे और कर लेंगे, ऑपरेशन इसमें बढ़ जाएंगे, इसी तरह से इसको हम कर लेंगे। फिर इसके सेकंड पार्ट में हम ये करेंगे कि इसका जो इनवर्स आएगा यानी कि ए इनवर्स, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए का, जो ए इनवर्स मिलेगा वो ए इनवर्स इनटू ये मैट्रिक्स ए, इनका मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे, तो हमें थ्री ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये वेरिफिकेशन हमें यहाँ पे करना है, तो इसको आप अपने आप कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ। और यहां पर एक बात मैं ये कहूंगा कि ये आंसर चेक करने का तरीका भी है, हालांकि एग्जाम्पल वन में ये चीज नहीं कही गई है, पर हम अपनी तरफ से अलग से ए इनवर्स इंटू ए ये वाला जो ए इनवर्स ये है, और ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसका इसमें मल्टीप्लाई करके सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी, तो उससे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप सारे सवाल अच्छी तरह से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।